कुछ नहीं होगा समर को, जानिए पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक प्रोमो ने सारे के सारे दर्शकों में खलबली मचाई हुई है। सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है वो प्रोमो, और प्रोमो चल रहा है, और प्रोमो में साफ साफ दिखाया गया है कि अनुज कपाड़िया को समर की मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो भी वनराज के द्वारा। और आज की कड़ी में इसकी नींव पड़नी भी शुरू हो गई है, तो इस पे चर्चा करना तो बनता है, क्योंकि ये बड़ा ट्विस्ट है जो आ सकता है या नहीं आ सकता है, इस पे चर्चा करना। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। समर एक बड़ा करैक्टर है इस धारावाहिक का, क्योंकि समर अनुपमा का बहुत ही प्यारा बेटा है। अनुपमा एक माँ है जो अपने बच्चों के लिए हर हद तक जा सकती है, यही अनुपमा प्रमाण देती है हर बार। बच्चों के आगे उसको कुछ भी नहीं सूझता है, इसलिए धारावाहिक अनुपमा है। तो इस बार जो हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने देखा पाखी इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी थी, जिसमें चर्चा हो रही थी कि पाखी नहीं बची, बहुत सारे वीडियो शेयर हो रहे थे कि पाखी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई, पाखी के साथ ये हो गया, गुंडों ने ऐसा कर लिया, तरह तरह के वीडियोस बनने शुरू हो गए थे। हाँ, पाखी की मृत्यु पे कोई प्रोमो नहीं आया था, मगर ये प्रोमो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। पाखी तो बिल्कुल साफ साफ होके बच के घर पे वापस आ गई, क्योंकि ये एक प्रैंक का हिस्सा था। अब इसके साथ क्या होने वाला है समर के साथ, क्यों अनुज को इस तरह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? तो जितना हम समझ पा रहे हैं दूर दूर तक इस ट्रैक को, तो समर को तो कुछ होगा नहीं दोस्तों, मृत्यु कम से कम वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समर इस धारावाहिक का मेन करैक्टर है, और अभी तक हमने किसी भी मेन करैक्टर को मरते हुए नहीं देखा है। शाह परिवार में भी बापूजी कई बार अटैक ले चुके हैं, बा कई बार अटैक ले चुके हैं, मगर नहीं मरे। समर को भी बचाया है अनुज ने एक बार मौत से, और इसी बात की चर्चा आज की एपिसोड में थी, जो कि नींव थी हम सबके लिए, ऑडियंस के लिए, कि अब समर की मौत आने वाली है, चर्चा शुरू हो गई है। तो दोस्तों जो समझ पा रहे हैं उसके ऊपर बात करती हूं अभी मैं, क्योंकि जितना ये ट्रैक मालती देवी और अनुज का करीब जा रहा है, जबकि सच बिल्कुल सामने आने वाला है। और इस तरफ डिम्पी की प्रेगनेंसी की बात अनुपमा को पता चलती है, अब यहां पे सब लोग हबड़ा दबड़ी में चले गए हैं पार्टी मनाने, और इस पार्टी में ड्राइविंग में होगा एक बड़ा एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में समर और अनुज जो है हो सकता है एक साथ हो, या फिर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें कि अनुज जो है समर के साथ हो, और अनुज जो है समर की इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार बन जाए। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि समर के साथ कोई बड़ा हादसा होगा, क्योंकि जिस तरह कान्हा जी के जो सिग्नल्स भी आ रहे हैं, लाइट का चले जाना, ऐसा हो जाना, वैसा हो जाना, तो ये मुसीबत तो आने वाली है, मगर ये मुसीबत मौत के मुंह तक जाने तक की मुसीबत है। और अनुपमा अपने बेटे को मौत के मुंह से निकालेगी, और जो प्रोमो हम देख रहे हैं वो प्रोमो अनुज का सपना हो सकता है, उसका थॉट प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि अनुज समर को बचा नहीं पाया। जो भी एक्सीडेंट होगा उसमें समर को नहीं बचा पाया, और डॉक्टर्स तक जवाब दे देंगे कि समर को अब दुआ की जरूरत है, और उसी थॉट प्रोसेस में ये सब होगा जो हमने देखा प्रोमो में। ये वनराज अनुज को जिम्मेदार ठहराएगा। अब ये एक्सीडेंट होगा या क्या होगा इसके ऊपर तो हम पूरी तरह नहीं बात कर सकते, मगर ये इस तरह से ट्रैक घूमने की उम्मीद है। जब ये बड़ा ड्रामा जो आएगा दोस्तों, इसमें से समर बचेगा, क्योंकि समर का मरना मतलब अनुपमा का मरना है,
अनुपमा इस सदमे को, मैंने पहले भी कहा, इस सदमे को झेल नहीं पाएगी। और इस तरह से ये जो समर की मौत को जो है टाला जा सकता है, चलेगा बहुत कुछ चलेगा। और यहां तक बातें होंगी कि अब मरा समर, तब मरा समर, की मौत पक्की है, हो गई मौत, ऐसी सब बातें होंगी। मगर जहां तक मैं देख पा रही हूं, समर की मौत नहीं होगी। और अगर हम इस धारावाहिक के जरिए दूसरा पहलू देखें, तो एक ट्रैक जो ऑलरेडी चल रहा है, जो भी शुरू ही हुआ है, उसकी मौत तो नहीं कर सकते। और उस ट्रैक के काफी करीब पहुंच गई है अनुपमा। तो ये जो अभी जो चल रहा है, अगर वहां पे कुछ ऐसी गड़बड़ होती है, तो मालती देवी अनुज का मेन ट्रैक तो बंद ही हो जाएगा। और अगर हम ऐसे भी सोचे, बहुत सारे पहलू नजर आते हैं, मगर सबसे वीक पहलू जो मुझे अब दिख रहा है, ये तो स्ट्रांग पहलू था कि कुछ नहीं होगा समर को, क्योंकि ये ट्रैक है। और अब अगर हम सोचे कि नया कुछ शुरू करना हो, शायद कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये शुरू करना हो कि डिम्पी अब बहू की शादी बेटी की तरह करनी है, वैसा कुछ करना हो, तो बात अलग है, तो फिर ये पूरा फिल्मी धारावाहिक बन जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, समर को कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट होगा, जबरदस्त होगा, जो भी होगा, उससे समर हॉस्पिटलाइज्ड होगा, अनुज की वजह से वो होगा, और इसलिए ये सारा प्रोमो ये सब देख रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है, बाकी आप भी बताइएगा कि क्या है आपका कहना। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.